और हेमंत सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत भी है। आज वो राजनीति कर रहे हैं, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया भाई? रघुवर दास जी ने बनाया स्थानीय नीति, है जो भी बनाया, लेकिन वो बनाया। हेमंत सरकार को तो मुख्यमंत्री ये लोग बना दिया, सब यहाँ के लोग, आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, लेकिन जब वो बनाते हैं तो बाहर के लोग बना देते हैं, तो रोष तो ये स्थानीय नीति के अंदर आते। इतने ही नहीं, हमने सोचा था कि ये सरकार बनेगी तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार आज देखिए, शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर भ्रष्टाचार काबिज है, प्रखंड थाना से लेकर के सचिवालय तक, एक भी ऐसा ऑफिस नहीं है जो बिना लेन देन का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या इससे यहाँ का सरल और ईमानदार समाज जो था झारखंड का, वो करप्ट नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं GN भारत। झारखंड के प्रख्यात मानव शास्त्री डॉक्टर कर्मा उराव जी से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि इन्होंने स्थानीय नीति पर क्या कहा। सर, GN भारत में आपका स्वागत है। देखिए, अब रही बात कि आज स्थानीय नीति की बात इन्होंने चर्चा की। स्थानीय नीति क्या है? समग्रता में एक रेगुलेटरी फंक्शन नीति जो सारा चीज़ को रेगुलेट करेगा, किसको कितना हक मिलेगा, कितना किसको देना चाहिए, कौन स्थानीय है, इसको सरकार डिफाइन करने में कमजोरी होती है। और हाईकोर्ट ने भी कहा है, आपको बता रहे हैं, अगर किसी विशेष क्षेत्र का आपको किसी तरह से स्थानीय नीति बनाना हो तो उसका आधार भी आपको संस्कृति होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, अन्य परिवेश होना चाहिए, उसको कंसिडर करके सरकार बना सकती है, तो बना रही है सरकार अभी फिलहाल। देखिए, एक आपको बताएं, स्थानीय नीति को डिफाइन किया नियोजन नीति, क्या किया, कहा कि यहाँ OBC हैं, ST हैं और SC हैं, अगर बाहर दिल्ली में पढ़ते हैं, दूसरे जगह पढ़ते हैं, तो वो लोग यहाँ के लोकल अधिकारी होंगे, लोकल के पात्रता होंगे, लेकिन अगर सामान्य जाति के लोग पढ़ेंगे उधर तो पात्रता नहीं होगी, तो कोई बात ही नहीं है क्या? ये तो केवल मात्र नियोजन के संबंध स्थानीय नीति ही रखता है ना, इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हैं, व्यापक स्वरूप में देखा जाना चाहिए इसको। सरकार ने जल जंगल जमीन के परिवेश में, यहाँ के लोगों के फ्रीडम, ट्राइबल स्टेट है, इसके परिवेश में डेवलप नहीं किया और कोशिश भी नहीं कर रहा, और राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण वर्तमान सरकार भी वही कर रही है। आप बताइए, एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो पास करेगा वहाँ का स्थानीयता का पात्र होगा, बाकी लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सामान्य लोग हैं, उसकी क्या होगी भाई? ये सब तय नहीं कर पा रही। अभी आपको मैंने 5वीं अनुसूची के लेके गवर्नर का ऑब्जर्वेशन आया, कहा कि राज्यपाल को उसको एडवाइज नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्यपाल को मैंने ताड़ दिया और अपने ट्राइब से ध्वज कौन से संविधान के 5वीं अनुसूची, इसका भी रोष है। तो इस तरह से जब तक एस्पिरेशन का फुलफिलमेंट सही तरीके से यहाँ नहीं कर पाएंगे लोग, सरकार नहीं करेगी, इस तरह की बातें उठती रहेगी। और जो कुछ भी है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हिंसात्मक तरीके से हम सबको डिमांड रखने की आवश्यकता है, इसकी वजह कोई जगह नहीं बचाती, और हेमंत सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत भी है। आज वो राजनीति कर रहे हैं, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया भाई? रघुवर दास जी ने बनाया स्थानीय नीति, है जो भी बनाया, लेकिन वो बनाया, लेकिन उसको आपने रद्द कर दिया और यहाँ बना नहीं रहे हो, तो इसका क्या प्रतिफल होगा? लोग तो उसी को वोट दिया था ना। देखिए, रघुवर दास जी CNT डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन चाहते थे और उन्होंने इस पर काफ़ी प्रयास किया, तो हम लोग विरोध किए, मैं भी मुख्य संयोजक था सामाजिक संगठनों का, जो 40-50 संगठन थे उसमें मैं मुख्य संयोजक, मैंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद में रघुवर दास को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भाजपा यहाँ से रूट आउट होगी। और जब आप कैंसिल किए हैं, रद्द किए हैं, तो आपको उसको लागू करना चाहिए, प्रतिरूपण देना होगा, आप दे नहीं रहे हो। झारखंडी लोगों को उनका हक और अधिकार कब मिलेगा और लोग छले हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि JPSC का एग्जाम दीजिए, देखिए 1 से 10 तक हुआ कोई भी एग्जामिनेशन आज तक सफलतापूर्वक संपन्न नहीं, और वहाँ जब कभी भी अभी बहाल किया गया तो वहाँ पर देखें कि अमिताभ चौधरी को बना दिया, तो झारखंड बनने का क्या उचित है? बाहर के लोगों का बना दिया जाए,
नीति निर्धारक बॉडी में आपने JCC का मैंने अध्यक्ष बना दिया त्रिपाठी जी, क्या मतलब है भाई? यहाँ पर लोग यहाँ के बुद्धिजीवी नहीं है, आदिवासी मूल समाज लोग को रोष है। हेमंत सरकार को तो मुख्यमंत्री लोग बना दिया, सब यहाँ के लोग आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, लेकिन जब वो बनाते हैं तो बाहर के लोग को बना देते हैं, तो रोष तो ये है राजनीति के अंदर आती है। क्यों भाई, जल जंगल की बात करते हैं और बहाल करते हैं दूसरे के लोग, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। और संवाद भी नहीं है सरकार के साथ, एकदम निरंकुश टाइप का सरकार व्यवहार कर रही है और संवाद भी नहीं किसी संगत किसी को। जब आदमी को संवेदनशील होना चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहे कैबिनेट के मंत्री लोग को चाहे सरकार को, उनको जब कहीं भी कोई आवाज़ें उठती हैं तो बुला के बात करनी चाहिए, परिसंवाद करनी चाहिए ताकि उसका प्रॉब्लम का रिड्यूसर हो सके, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। वो तो लगता है कि निरंकुश हैं और IAS लोग के पूरी तरह कब्जा में, ब्यूरोक्रेसी हावी, ब्यूरोक्रेसी हावी। इतने ही नहीं, हमने सोचा था कि ये सरकार बनेगी तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार आज देखिए शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर भ्रष्टाचार कायम है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, टॉप से बॉटम, प्रखंड थाना से लेकर के सचिवालय तक, एक भी ऐसा ऑफिस नहीं है जो बिना लेन देन का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या इससे यहाँ का सरल और ईमानदार समाज जो था झारखंड का, वो करप्ट नहीं हो रहा है? ये भी एक छटपटाहट का कारण है और इस पर कुछ नहीं हो रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।